फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का जून के करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 600 बेस्ट एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग यहाँ 600 क्वेश्चन बेस्ट करेंगे जो कि पूरे जून मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी जो मेरे सक्सेस मंथ पेज और सक्सेस मंच का फेसबुक पेज है और सक्सेस मंच का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोगों को मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे रखा है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना। इसके अलावा मेरे चैनल पर MPPSC, UPPSC और UPSC मेंस से रिलेटेड सीरीज चलाई जा रही है, तो उसको चैनल पर विजिट करके देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें से आपके काम की भी वीडियोस हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज 600 बेस्ट MCQ जो कि जून 2020 के मंथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति की है? तो ये की है ईरान को। तो ये ऑप्शन नंबर ए ईरान ने। यहाँ पर कंपनी ने लैटिन अमेरिका देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मैनकोन जेब का निर्यात किया है और अगले एक सप्ताह में 12 टन निर्यात करने वाली है। HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मेलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। पिछले सप्ताह तक 67 टन मेलाथियन टेक्निकल का उत्पादन आपूर्ति किया। मेलाथियन टेक्निकल एक तरह की कीटनाशी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, जिसको पकड़ा भी कहते हैं, प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर लॉन्च किया है, विमान बनाया है? तो ये बनाया है रूस ने। रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है और इसमें स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी ही उन्नति इसने की है। यह है वम वर्षक विमान सुखोई 57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और ये नवीनतम तकनीक के उपयोग से बना हुआ है, और रूस जो है वो भारत के रक्षा साझेदारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने एडवांस आरक्षण की अवधि जो 30 दिनों की थी वो बढ़ाकर कितने दिनों की कर दी है? तो वो कर दी है 120 डेज की। आरक्षण का ये प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। ये 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। ये प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू होगा, मतलब कि ये लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पे है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है रोजर फेडरर। यहाँ पर स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार है रोजर फेडरर, जिनकी जो कमाई है 106.3 मिलियन डॉलर के साथ, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया और फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशहूर उर्दू लेखक व्यंगकार मुश्तबा हुसैन का हाल ही में किस शहर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हैदराबाद में है। इनके बारे में क्यों चर्चा में है ये ध्यान लेते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो नागरिक संशोधन कानून चल रहा था इसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान ये चर्चा में थे। इन्होंने पद्मश्री सम्मान लौटाने की घोषणा की थी जो इन्हें 2007 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली लगातार कौन से वर्ष टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो लगातार चौथे साल, मतलब कि 4 साल से लगातार विराट कोहली टॉप 100 में शामिल हो रहे हैं। 2019 में उनकी कमाई थी 173.3 करोड़ रुपए, तो ये 100वें नंबर पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? तो ये भेजा है मीराबाई चानू के लिए। ये भारोत्तोलन महासंघ ने भेजा है ये नाम, और मीराबाई चानू को 2018 में विराट के साथ ही प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद रजा ने लद्दाख के करगिल में कितने किलोवाट क्षमता का पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 7 किलोवाट।
यहाँ पर 5 किलोवाट, सॉरी 5 आएगा आंसर, गलती से 7 हो गया। ये सोलर लिफ्ट जो संयंत्र है प्रोटोटाइप है जो सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मई पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो ये दिवस जो है वो हम अलग से, मैं एक प्रॉपर एक आपको पीपीटी बना के दूंगी ताकि आपको ये पूरा अच्छे से लर्न हो जाए। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की लोग और उस और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रंप ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की जो कठपुतली बन चुका है और WHO ने WHO अमेरिका की तुलना में बहुत मामूली फंड देता है, इसलिए उसने संबंध खत्म करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम नामांकित करने की घोषणा की है? तो ये की है रोहित शर्मा ने। वो की थी भारोत्तोलन के लिए, ये की है यहाँ पर क्रिकेट के लिए। तो रोहित शर्मा का नाम किया है, ये ओपनर खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, और 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित, यहाँ सिर्फ नामांकित किया गया है, मिला नहीं है, ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। साथ ही ईशांत शर्मा, शिखर धवन और महिला टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का नाम भी अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। जब मिल जाएगा तो इनकी लिस्ट या इनके वीडियोज़ मैं अलग से आप लोगों को बना के दूंगी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा है? तो ये है स्पेस एक्स। यहाँ पे ऐसा पहली बार है जब अमेरिका की जमीन से मानव को कक्षा में भेजा गया है, एक ये दशक में पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य और पेरेंट्स की सलाह के बाद कब शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला किया है? तो अभी तो ये फैसला जुलाई 2020 में किया गया है, बट देखिए आगे आगे होता है क्या। सरकार ने लॉकडाउन जो 5.0 की घोषणा की है, इसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। तो ये चीज़ कोड वर्ड के रूप में इन लोगों ने यूज़ किए हैं ये टर्म्स। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र राज्य में सड़क के लिए इन्होंने मंजूरी दी है। इस सड़क परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कों और 11 राजमार्गों को दोहरी लेन में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये था कल 1 जून को, मतलब ये विश्व भर में परिवार में माता पिता पर समर्पित है ये दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है INS कलिंग पर, ये आप याद रखेंगे, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला INS कलिंग पर रखी गई है। हाल ही में किस राज्य को भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये दी है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। इस मिशन का जो मेन मोटिव है वो राज्य में हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। तो चलिए देखते हैं, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को ही मनाया जाता है माता पिता का वैश्विक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये आप लोग याद रखेंगे। 2 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे या इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। 2 जून को ही मनाया जाता है तेलंगाना का गठन दिवस, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को मनाया जाता है मासूम बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। तो ये आप याद रखेंगे ये जो भी मैं दिवस बता रही हूँ। 5 जून को, एज यू ऑल नो, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड
एनवायरमेंट डे, तो 5 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैं थीम भी आप लोगों को आने वाले क्वेश्चंस में जो भी एमसीक्यूज आएंगे उसमें बताती जाऊंगी, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं जैसे कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इसकी इस साल की थीम क्या है, तो वो भी हम साथ के साथ करेंगे। तो ये जो डेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसमें दुग्ध दिवस, और यहाँ पर एक तेलंगाना का गठन का दिन, और ये 5 जून, ये तीन जो डेज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाई बाय जो बाकी जो बचे इसमें डेज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यूज देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज की डेज में। तो पहला क्वेश्चन है, बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे साजिद और वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया। इनका कोरोना से निधन हुआ, बट हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ, कोरोना था इनको। और इनका कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो अभी इनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, ये 42 ईयर्स के ही थे, तो इनका 42 ईयर्स में निधन हो गया। ये कोरोना के संक्रमित होने के साथ लंबे समय से किडनी की समस्या से भी जूझ रहे थे, इसी कारण कोरोना का अटैक उन पर ज़्यादा हुआ, और सब ने इनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने पीजी विभागों अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है, मतलब कि बिना एग्जाम के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये किया है रांची यूनिवर्सिटी ने। लास्ट सेमेस्टर की यहाँ परीक्षा होगी, इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी के लिए एकेडमिक काउंसिल में इसे रखा जाएगा, मतलब कि अगले सेमेस्टर में यहाँ प्रमोट करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप देखना आगे पूछा ही जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरुआत की है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मेरा जीवन मेरा योग, ये गलती से हो गया था। तो इसने देश में योग को महत्व देने के लिए मोदी जी ने मेरा जीवन मेरा योग नाम से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है, और इस प्रतियोगिता को ICMR और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो ये पंजाब राज्य सरकार ने घोषणा की है। यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 रुपये से 50 रुपये तक का होगा, और इस अतिरिक्त उत्पाद राशि को सरकार COVID-19 संबंधी खर्च के लिए उपयोग भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है, तो ये लगाया गया है दिल्ली सरकार ने। यहाँ पर राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 160 बेड के साथ 10 नॉन एसी कोच और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए एक आइसोलेशन कोच को लगाया गया है, तो ये दिल्ली सरकार में सर्वप्रथम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व न्यायाधीश KG बालाकृष्णन ने हाल ही में किस पर एक नई जीवनी जारी की है, तो ये नई जीवनी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर जारी की गई है। इसका शीर्षक नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत, ये आप याद रखेंगे। ये पुस्तक किसने लिखी है, जीवनी किसने लिखी है, तो ये आप याद रखेंगे KG बालाकृष्णन ने। इस जीवनी में मोदी के बचपन की तस्वीरों से लेकर दुर्लभ किस्सों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार कौन से वर्ष खेल रत्न के लिए विनेस फोगाट का नाम भेजा है, तो ये भेजा है लगातार दूसरे साल, पिछले साल भी भेजा गया था। पिछले वर्ष बजरंग पूनिया को खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, बट नाम उनका भी भेजा गया था, जबकि रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो इन्होंने लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ पोर्टल। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल और फॉर यूथ नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम युवाओं को सशक्त भविष्य और पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का पोर्टल। इसका नाम इन्होंने रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब कि AI.gov.in, ये इस पोर्टल का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण सिंगल को। ये खाद्य नियामक के वर्तमान CEO GSG एंकर का स्थान लेंगे। तो ये बैंकिंग और SSC जैसे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। तो हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के कहते हैं जिसे, इसके द्वारा शुरू किया गया है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। इसके इसमें केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल से एक ISS में किस अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक पहुंचाया गया? तो ये पहुंचाया गया था रॉबर्ट बेनकेन को और डगलस हर्ले, मतलब कि इन दोनों को पहुंचाया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये अंतरिक्ष नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर केप कैनावेरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। MSMEs है सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बारे में। तो इस सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी की 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी गई है यश बैंक के द्वारा। यश बैंक ने गिरवी रखे गए अपने शेयरों के जरिए डिश टीवी की हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान, ये थोड़ा स्पेलिंग एरर है, भुगतान पाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये है विराट कोहली। ऑप्शन से आपको पता ही लग रहा होगा, बाकी लोग भारतीय नहीं हैं। तो विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं जो सबसे ज़्यादा भुगतान पाते हैं, जो टॉप 100 की सूची में आते हैं विराट कोहली, और इस लिस्ट में वो 66वें स्थान पे हैं। और लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो मैंने 2019 के अभी उनका स्थान आप लोगों को बताया है। निम्न में से किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है? तो जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये शुरुआत की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य SK मोहंती ने इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तलाक के बाद कंपनी के कितने करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर पाने से युआन लिपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं? तो तलाक के रूप में इन्हें मिले थे 16.13 करोड़ शेयर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए। तो चीन की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी शेजिन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी के चेयरमैन डियू बेमिन से की पत्नी जो थी वो है युआन लिपिंग का तलाक होने पर 16.13 करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर पाने से वे दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट। भाजपा के ने दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष के पद से हटाकर किसे नया अध्यक्ष पद बन दिया है? तो वो दिया है भाजपा ने आदेश गुप्ता को। भाजपा ने हाल ही में अपनी पार्टी में बड़े बदलाव किए। उन्होंने दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मणिपुर प्रदेश अध्यक्षों को आपस में बदल दिया और दिल्ली से मनोज तिवारी की आदेश गुप्ता और छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी की जगह विष्णुदेव साय को अध्यक्ष चुना है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है दिल्ली कोरोना नामक ऐप। और इस ऐप के माध्यम से राजधानी के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं इसकी जानकारी भी पता लग सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हॉकी इंडिया ने महिला टीम की कप्तान रानी का नाम किस अवार्ड के लिए नामांकित किया है? तो उन्होंने ये नामांकित किया है खेल रत्न अवार्ड के लिए। ये आप याद रखेंगे कि महिला टीम जो हॉकी की है उनकी कप्तान है रानी, और इनका नाम नामांकित किया गया है खेल रत्न के लिए, जबकि वंदना मोनिका और पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए यहाँ नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की है 50 से 83% की बढ़ोतरी। ये सरकार ने 2020-21 के धान के लिए 1,868 रुपये क्विंटल, ज्वार के लिए 2,620 रुपये क्विंटल और बाजरे के लिए 2,150 रुपये क्विंटल निर्धारित किया है। बाकी ये अमाउंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस परसेंटेज में ये याद कर लेंगे आप। और ये क्वेश्चन UPPCS जैसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है इस टाइप का। इनमें से किस राज्य ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए मॉल्स को छोड़कर सभी दुकान खोलने की अनुमति दी है? तो ये दी है पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब ने ढील दे दी है, मॉल्स नहीं खुलेंगे वहाँ पर। पंजाब में नाई की दुकान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर समेत सभी दुकानें सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुली रहेंगी। केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत की है? तो छोटे व्यवसायों के लिए आप शिशु नाम याद रख लेंगे तो मुद्रा शिशु ऋण योजना, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। मुद्रा शिशु ऋण की शुरुआत की है जिसके तहत 1,00,000 लाभार्थी 1 साल में 2% ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। तो ये बहुत करने हैं, वो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना का गठन दिवस, तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और 5 जून जो कि आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, विश्व पर्यावरण दिवस की। इसकी थीम भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आज की थीम क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को। प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह के 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण के अग्रदूतों में से एक थे, ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। कलकत्ता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है, ये आप याद रखेंगे, और कलकत्ता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में होती है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यू एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? तो ये मुकदमा किया गया है अपने $5 अरब का, ये आप याद रखेंगे $5 अरब का। यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में $5 अरब का मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में ये केस दर्ज हुआ गूगल पर क्रोम ब्राउजर में अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी करने का आरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत के जो सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया गया है? भारत की रेटिंग गिरती जा रही है इसमें, तो ये कर दिया है इन्होंने Baa3। एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते जोखिम कम करने वाली नीतियों के क्रियान्वयन में बड़ी चुनौतियाँ खड़ी होगी। मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया, तो ये भी आप याद रखेंगे। मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाया था, क्योंकि बहुत दिनों से Baa3 पे ही चल रही थी। 2017 में Baa2 पे आई थी बट वापस वो खिसक के नीचे आ गई है अपनी रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के
74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं, तो ये है इन्फोसिस। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार इन्फोसिस के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति बने हैं, और जबकि पिछली वर्ष इस कंपनी के 64 अधिकारी करोड़पति थे। मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर किस कंपनी की क्रेटा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बन गई है हुंडई। पहली बार जो है मारुति को सुजुकी जो है नंबर वन से नीचे उतर गई, क्योंकि मारुति सुजुकी को पिछले छोड़कर हुंडई की क्रेटा भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। ऐसा कई वर्षों में पहली बार हुआ है। मारुति की कार बेस्ट सेलिंग कार अब नहीं रह गई है। नेक्स्ट, 2020-21 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है भारतीय उद्योग परिसंघ का। वे भी कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान इस वर्ष ₹1 सैलरी लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, जिलोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की कौन सी महिला है? तो ये एशिया की पहली महिला है। तो आप ये याद रखेंगे, बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला जिलोमोल मैरियट थॉमस, ये नाम याद रखेंगे आप। तो ये 28 वर्षीय हैं और एशिया की पहली महिला हैं। उन्होंने हाथ ना होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। किस एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बाकी बची हुई परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 9 जून की तिथि घोषित की है? तो ये घोषित की गई है CBSE के द्वारा। CBSE ने नोटिफिकेशन के लिए 9 जून की तिथि घोषित की है, और जो 10वीं 12वीं की बाकी बची हुई परीक्षाएँ हैं वो स्टूडेंट सेंटर के एग्ज़ाम वहाँ पर सेंटर्स जो है वो बदल सकते हैं, और ये जो परीक्षाएँ हैं वो जुलाई से, मतलब जो 1 जुलाई से, अब ये जुलाई में डेट तो अभी नहीं पता चली, 15 जुलाई तक जारी रहेंगी। अनुसंधानकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किस नाम से एक पृथ्वी जैसे ग्रह की होने की पुष्टि की है? तो ये की है प्रोक्सिमा बी। प्रोक्सिमा बी अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि ये ग्रह सौरमंडल के सबसे निकट तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा कर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कितने दिवसीय खेलों इंडिया समुदाय प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये किया 10 दिवसीय, इसमें 25 दिवसीय, गलती से मिस्टेक हो गया, 25 दिवसीय। इसमें 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और प्रशिक्षकों के लिए कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत को खेल राष्ट्र बनाना है। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो है रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है फिनलैंड राज्य, फिनलैंड देश के। रविश कुमार जो है 1995 बैच की IFS अधिकारी तथा मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन की है गायत्री कुमारी। गायत्री कुमारी को ब्रिटेन में नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पूर्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कोरोना वायरस के बीच इन्होंने कई तरह की अर्थव्यवस्थाएं खोलने की इजाज़त दी है। तमिलनाडु में बाल कटवाने और ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने दलील दी है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, किस राज्य ने COVID-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा, पंजाब के द्वारा, ये आप देख सकते हैं मिशन फतेह, फतेह नाम से पता चल रहा है पंजाब के। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उन्होंने कोरोना के खिलाफ ये मिशन का लॉन्च किया है। इसका मकसद लोगों का मनोबल बढ़ाना है, वो महामारी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब
के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? तो ये है अनवर सागर, इनका निधन हो चुका है। और इन्होंने बॉलीवुड के 80-90 के दशक में अजय देवगन की विजय पर, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ के सपने साजन की, अक्षय कुमार की हिट फिल्म खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू नाड़ी के लिए भी गाने लिखे। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, एशियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हुई है, इसमें भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो इस बार जो टॉप 100 में शामिल इंस्टीट्यूट हैं वो है 8 इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं। और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर टॉप स्थान पर रहा है, जो कि ग्लोबल रैंकिंग में 36th स्थान पर है। तो मतलब कि 36th पर है इंडिया का टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर फिल्म मेकर वासु चटर्जी का हाल ही में निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया? तो ये हमें बताना है। तो इनका निधन हो गया 90 साल की उम्र में। रजनीगंधा और शौकीन फिल्मों के मशहूर फिल्मकार, ये आप याद रख सकते हैं कि वासु चटर्जी ने कौन कौन सी फिल्में बनाई थी, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और कभी कभी तो UPSC में एज भी पूछ लेते हैं, कितनी एज में निधन हुआ, तो ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ उनकी निधन हो गया और इस पर सभी नेताओं और अभिनेताओं ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराए जाने का निर्धारण हुआ है? तो ये निर्धारण हुआ है 17 जून को। 17 जून को कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कराया जाएगा, जिसकी जानकारी विश्व निकाय के अंतरिम कार्यक्रम में दी गई। 17 जून को फ्रांस ने 15 देशों की इस परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। नेक्स्ट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस भूक्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो रूस के साइबेरिया के क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है। व्लादिमीर पुतिन का ये एक फैसला एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद किया गया है, जिससे वहाँ आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के बावजूद भी किस देश ने भारत को समय पर राफेल विमान प्रदान करने की घोषणा की है? तो राफेल विमान की जो इनमें भारत को देने की घोषणा की है वो की है फ्रांस ने। फ्रांस ने कहा है कि समय पर वो अपने राफेल विमान दे देगा जब टाइम निश्चित किया गया है। साथ ही फोन पे जो बातचीत हुई उसके दौरान फ्रांस ने क्षेत्रीय सुरक्षा और दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले पहले स्थान पर है? तो ये हमारे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसमें ऑप्शन नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इसमें गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये आप याद रखेंगे। यूटेंस की क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम के अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले पहले स्थान पे होंगे। यहाँ पे इंस्टाग्राम आएगा, जबकि भारतीय टीम के विराट कोहली यहाँ पर 6 स्थान पर हैं, ये याद रखेंगे। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने 3 स्पॉन्सर पोस्ट के जरिए कुल 3.6 करोड़ रुपए कमाए हैं। नेक्स्ट, फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटीज़ है जो हर साल ही लगभग टॉप 100 में रहता है? वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बीते वर्ष में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए ही अब इनकी संपत्ति रह गई है, और इस सूची में वह 33वें रैंक से फिसल के अब 52वें रैंक पे आ चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष अक्षय की इनकम 466 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके निजी सचिव राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये आप याद रख सकते हैं कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है राजीव टोपनो, और ये निजी सचिव थे नरेंद्र मोदी के।
यहाँ पर वे 1996 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा इस पद पर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना है स्वदेश योजना। स्वदेश योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए अब तक 7,000 से ज़्यादा ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन से वापस लाया जाएगा। ये इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि किस मिशन द्वारा विदेशियों को भारत लाया जाएगा, भारतीय नागरिकों को भारत लाया जाएगा, तो वंदे भारत मिशन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कितने वर्ष के बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 42 वर्ष के बाद। एशियन फुटबॉल फेडरेशन की महिला कमेटी ने 42 वर्ष बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन करने की घोषणा की है, जिसकी जानकारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को दे दी गई है। स्टूडेंट को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के उद्देश्य से किसने पहले द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम उसके पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये की है हरदीप पुरी ने। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और आवास शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने स्टूडेंट को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के उद्देश्य से द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम और उसके पोर्टल की शुरुआत की है। इसके द्वारा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे उनको देश के 4500 निकायों में स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप करने का अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष किसने हैदराबाद ओपन बैडमिंटन आयोजन को रद्द कर दिया है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बता ही सकते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसे रद्द कर दिया है, जो कि 11, ये आप डेट याद रख सकते हैं इसमें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है कि ये होना था 11 से 16 अगस्त के बीच, बट इसे अब इसका आयोजन कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाएगा। तो 7 जून को होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को होता है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो 8 जून वाला बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट 7 जून का बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 8 जून को होगा एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशंस डे मनाया जाता है 8 जून को। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, मतलब कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ जो हमने किया सिर्फ 7 जून का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखना चाहते हैं तो ये याद रख सकते हैं, विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशन डे याद रख सकते हैं, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये भी आप याद रख सकते हैं, बाकी 8 जून और 13 जून का आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 14 जून को होता है विश्व रक्तदाता दिवस, मतलब कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस, वर्ल्ड विंड डे। 15 जून को ही मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये आप याद रख सकते हैं। और जून का तीसरा जो रविवार होता है जो पड़ेगा इस बार 14 तारीख को, 14 जून को, तो वो होगा वर्ल्ड फादर्स डे, मतलब विश्व पिता दिवस, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च कर दिया है? तो ये आपका किया है अमेज़न ने। अमेज़न ने सभी जो सेवाएं हैं वो हिंदी में लॉन्च की है, जिससे देश के छोटे और मझले उद्योग हैं उनको फ़ायदा होगा और वह आसानी से रजिस्ट्रेशन कर अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर और छोटे शहरों पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये की है रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, और इन्होंने 500 करोड़ रुपए की एक संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। नेक्स्ट,
केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। तो अभियान का नाम है राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सड़कों पर मौतें होती हैं इनके तहत लोगों को जागरूक और शिक्षित किया जाएगा इस अभियान के तहत। इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कोनर मैकग्रेगर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये खिलाड़ी हैं हमारे आयरलैंड के। ये इन्होंने 4 वर्ष में तीसरी बार ये घोषणा की है। वे 2 बार UFC की अलग अलग वेट कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा हमारा विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन्होंने किया कहा है कि द ग्रेट रीसेट थीम की अद्वितीय ट्विन समिट स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी, जिसकी मेजबानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में करेगा। इस कार्यक्रम में विश्व के 400 शहरों से वर्चुअल लिंकअप के माध्यम से व्यापक भागीदारी की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन दिखाया है? तो ये दिखाया है समर्थन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष जो है स्कॉट मॉरिसन के बीच हुई ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में वार्ता हुई और उन्होंने इसके जो सदस्यता है उसके लिए मजबूत समर्थन का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से, तो ये है रूस से 20,000 टन जो डीजल है वो बह गया है। ये नॉरिक्स शहर के बाहरी इलाके में ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र से हुआ है और ईंधन को अंबारनिया नदी में मिलने से रोकने के लिए सरकार ने ये अवरोधक लगाए हैं। नेक्स्ट, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोरोना वैक्सीन की कितने अरब डोज बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार किया है? तो ये किया है 2 अरब डोज बनाने के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं कि किसने करार किया है ये वैक्सीन बनाने के लिए। डोज के आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये जो गिलिट साइंसेट COVID-19 के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवा रेमडेसिविर बनाती है। नेक्स्ट, मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय हैं? तो ये पहले भारतीय हैं। तो आप क्वेश्चन ये हो सकता है कि रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार इस बार किसको मिला है? तो ये मिला है इंडियन शायर और गीतकार जावेद अख्तर को। इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष अंग्रेजी विकासवादी जीव वैज्ञानिक रिचर्ड डॉक्सिन के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गया है किलियन एम्बापे। ये फ्रांस के पेरिस के सेंट जर्मन क्लब के किलियन एम्बापे दुनिया के महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि लियोनेस मेसी 22nd और यूवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 70th स्थान पर हैं। इनमें से किस कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने कार के घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए आवरली रेंटल सर्विस की स्थापना की है? तो आप ये याद रखेंगे, तो ये किया है ऊबर के द्वारा। तो ऊबर ने ये शुरुआत की है और ये सर्विस ऑन डिमांड पर 24/7 उपलब्ध रहेगी और ये सर्विस 189 रुपये घंटे पर किलोमीटर 10 किलोमीटर के एक पैकेज से होगी। ARCI ने किस बीमारी के इलाज के दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है? तो ये है कैंसर के इलाज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए धातु का सामग्री का निर्माण किया गया है। ये मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ सभी कम्युनिकेशन लाइंस
बंद कर दी हैं। तो ये की है साउथ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का हमेशा आपस में डिस्प्यूट बना ही रहता है, तो ये इसने की है। साथ ही हॉटलाइन भी बंद कर दी है और कम्युनिकेशन लाइंस को नॉर्थ और साउथ के संयुक्त संपर्क कार्यालय को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब देशों में दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है हमारी संयुक्त अरब अमीरात ने। इन्होंने अरब देशों की दुनिया ये मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश है और ये मिशन अगले वर्ष फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचेगा। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस कोरोना महामारी के बीच में। नेक्स्ट, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस गोता लगाने के दौरान नमूने भी इकट्ठे किए गए हैं और भूगर्भीय वातावरण के उच्च गुणवत्ता वाले चित्र भी यहाँ पर खींचे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी खबर है यहाँ पर कि किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में एक भी मामला सक्रिय नहीं है। लगभग 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के 1154 मामले थे जिसमें से 22 मौतें भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जून को पूरे भारत में किस अमर शहीद की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा। तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। 9 जून 1900 को अंग्रेजों द्वारा उन्हें एक धीमा जहर देने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्राजील की अमांडा नुनेस ने UFC 250 में फेलिसिया स्पेंसर को हराकर कितने कैटेगरी का टाइटल डिफेंड करने वाली पहली महिला फाइटर बन गई है? तो ये बनी है सेकेंड कैटेगरी की मतलब। और अमांडा नुनेस वर्ष 2016 में बैटम वेट कैटेगरी की चैंपियन भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सुपर रग्बी लीग किस देश में 13 जून से दर्शकों की मौजूदगी में खेला जाएगा? तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या चीन। तो ये खेला जाएगा न्यूजीलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड अब कोरोना मुक्त घोषित हो चुका है। और इस इवेंट का पहला मैच ड्यूनेडिन में हाइलैंड्स और चीफ के बीच होगा, जिसका मुकाबला लगभग 25,000 दर्शक देखने की उम्मीद है। SBP की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में किस देश में महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? तो ये रहने वाली है पाकिस्तान में सबसे अधिक महंगाई दर रहने वाली है। और SBP के मुताबिक इस वर्ष पाकिस्तानी रुपए में विश्व भर के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। एक्सचेंज QS 2021 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो ये मिला है 8 संस्थानों को स्थान। यहाँ पर टॉप 500 संस्थानों में 8 भारतीय संस्थान हैं, जिसमें टॉप 200 इंस्टीट्यूट में भारत के सिर्फ 3 संस्थान हैं, जबकि टॉप 1000 संस्थानों में कुल 21 इंस्टीट्यूट को स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष जो 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर है? तो भारत का मुंबई है जो सबसे महंगा शहर है, और ये वैश्विक स्तर पर 60वां सबसे महंगा शहर है और एशिया का 19वां शहर है। इस सूची में सबसे महंगे शहर की अगर हम बात करें तो वो है हांगकांग, जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे अमेरिका वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है? तो ये चुना गया है आपका जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। सिर्फ नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ये थोड़ा सा याद इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सैन्य सेवाओं का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बन गए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट,
अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतरराष्ट्रीय गठबंधन IPAC बनाने की घोषणा की है? तो ये की है 8 देशों ने, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन, इसका नाम IPAC है और इसकी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार, मानव अधिकारों और सुरक्षा के लिए चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है? तो ये मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, जिसके तहत कंपनी 8000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट तैयार करेगी और 2000 मेगावाट के घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता स्थापित यहाँ पर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर जो है नीरज फोगाट पर डोपिंग का दोषी पाए जाने के लिए उन पर कितने वर्ष प्रतिबंध लगाया गया है? तो 4 वर्ष का उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, दोनों पर 4-4 वर्ष का अलग से लगा है। इसमें नीरज फोगाट को प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेने का दोषी पाया गया, जबकि अमृतपाल ने प्रतिबंधित पदार्थ टर्बुटेलाइन का सेवन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को हटा दिया है? तो वो हटा दिया है संचिता चानू के ऊपर, इनके ऊपर लगा था डोपिंग का आरोप और वाडा की सिफारिश पे इसे हटा दिया गया है। और IWF की वकील लीला सांगे ने कहा कि संचिता चानू के सैंपल में कुछ भी गलत नहीं पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो डेनमार्क और भारत के बीच ये हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है? तो ये दिया है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल ने राज्य में COVID-19 से निपटने के लिए ऋण दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना याद रखेंगे, July 1945। यहाँ थोड़ा सा मैंने और डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की है क्वेश्चंस की, कि जिस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो भी हम लर्न कर सकें, याद कर सकें। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है Washington DC है, इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविस मालपास है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़े हैं। हाल ही में नासा ने किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये किया है रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार एक नासा ने कार्यकारी इंजीनियर योगदान और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन और इसका मुख्यालय है Washington DC में। नेक्स्ट, हाल ही में IL और FS ने किस राज्य में सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है? तो ये बेची गई है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आंसर गलत हो गया है, यहाँ पे आंसर होगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में 50% हिस्सेदारी बेची है, तो गुजरात राज्य को बेची है। IL एंड FS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है 6 साल का, सॉरी 4 साल का प्रतिबंध, और इन्होंने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद ये लगाया था और ये 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक जारी रहेगा। AIU की फुल फॉर्म होती है एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट और इसके अध्यक्ष हैं ब्रेट कॉलिथर और मुख्यालय इसका पाया जाएगा मोनाको में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फ्लाई जी जिसे कहा जाता है मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने। COVID-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। उस मल्टी फंक्शन एप्लीकेशन फ्लाईजी को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन आप लोगों के पास है, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या
इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है जिसकी राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री इस समय है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो पिन वैली नेशनल पार्क, गेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार आप लोग कर सकते हैं अगर ये सीरीज आप लगातार देखते हैं। तो करंट के साथ साथ आपका प्री भी यहाँ काफ़ी अच्छे जनरल नॉलेज तैयार होती है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? तो ये किया है म्यांमार की सेना ने। म्यांमार की सेना जिसे ताट मांडा कहा जाता है, इन लोगों ने सटीक समाचार एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग कर रही है। हाल ही में इसका उपयोग फिर म्यांमार ने बंद कर दिया था उसकी सेना ने। तो म्यांमार के बारे में, इसकी कैपिटल है नेपिताव, इसकी मुद्रा है वर्मीकेत और म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन माइंट। तो आप ये याद रखेंगे। हाल ही में कितने वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित प्रीतम सिंह का निधन हो गया? तो प्रीतम सिंह थे 78 ईयर्स के, इनका निधन हो गया है। तो ये IIM मतलब भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के पूर्व निदेशक थे और इनका निधन हो गया है। वे IPS अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय समिति के सदस्य भी थे प्रीतम सिंह। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, तो आप लोग ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरुनजीजा का निधन हो गया है? तो ये थे बुरुंडी के राष्ट्रपति। बुरुंडी के राष्ट्रपति, इनका निधन हो गया 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद। अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले थे, अभी इन्होंने छोड़ा नहीं था। तो ये इस समय प्रेजेंट राष्ट्रपति थे, तो याद रखेंगे इन्हें। शांति प्रयासों के लिए इन्हें 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इनके बारे में। तो अगर कोई स्पेशल पर्सन होता है जिनको स्पेशल पुरस्कार मिला होता है या स्पेशल काम किया होता है, तो उनके बारे में आप लोगों को एग्जामिनेशन में याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बुरुंडी की राजधानी, जो कैपिटल की बात करें तो गिटेगा है और बुरुंडियन फ्रैंक यहाँ की मुद्रा होती है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में एशियाई शेरों की आबादी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आएगा। तो ये है 29%। 2015 में 523 थे, आप लोगों को पता ही है। 2020 में 674 हो गए हैं। और पश्चिम गुजरात के गिर अभयारण्य में यहाँ जंगली शेर पाए जाते हैं, ये घोषणा गुजरात सरकार ने की है। गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। उत्तराखंड ने हाल ही में किस शहर को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है गैरसैंड को। गैरसैंड एक ग्रीष्म राजधानी हो गई है जिसे 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। और वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था, ये आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए नया दिशा निर्देश जारी करते हुए कितने सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाने को कहा है? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BS6 वाहनों के लिए कौन से कलर का स्टिकर लगाने को सरकार ने कहा है, तो ये होगा ग्रीन कलर का और 1 सेंटीमीटर का स्टिकर लगाने को यहाँ कहा गया है। तो केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 1.1 मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही एक वन होगी, जिस पर रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखी होनी चाहिए। और इस नियम को 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस मुख्यमंत्री इन किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, तो अगर आपको पता होगा कि जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के हैं तो आप बता देंगे, हाल ही में अपना पहला ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम लागू किया गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम लागू किया है, शुरू किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। और इसके तहत जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनश्चक्रण और दोबारा उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
एप्पल 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप पर पहुंचने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी बन गई है? तो एप्पल जो अमेरिका की है वो हमेशा टॉप पर रहती है, तो एप्पल अमेरिका की टॉप कंपनी मतलब कि फर्स्ट कंपनी बन चुकी है। और एप्पल के प्रति शेयर की मौजूदा कीमत जो $352 है, और साथ ही में टेस्ला के शेयर पहली बार $1,000 के यहाँ पार पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है? तो ये हमेशा अमेज़न, हमेशा की तरह अमेज़न ने ही किया है, अमेज़न ऐसे काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। इन्होंने स्कूल फॉर होम लॉन्च किया है जिससे कि बच्चों के स्कूल की पढ़ाई और उससे जुड़ी सभी ज़रूरी चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने ये कहा है कि ये स्टोर घर पर बेहतर लर्निंग जोन बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की 90 वर्षीय हमाको मोरी ने रोजाना 3 से 4 घंटे वीडियो गेम खेलकर अपना नाम ओल्डेस्ट गेमिंग यूट्यूबर पर गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है? तो ये है जापान की, जापान के लोग ऐसा कारनामा हमेशा करते ही रहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि 1981 में बच्चे को वीडियो गेम खेलते हुए देखकर उनकी रुचि इसमें जागृत हुई थी और ये 90 वर्ष की है इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। तो हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शोभा शेखर, इनको दिया गया है ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर उत्कृष्ट योगदान के करने वाले व्यक्तियों को यह दिया जाता है मेडल। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी है कैनबरा, इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों के करंट अफेयर बूस्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सावित्री राठौर। ये अमिया कुमारी पादी और संजू पाडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। तो ये आप याद रखेंगे, सावित्री राठौर उड़ीसा की थर्ड लेडीज जो हैं जज वो हैं। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो ये है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के नेशनल पार्क्स हैं भितरकनिका, सिम्पलीपाल। उड़ीसा के जो बांध है वो इंद्रावती बांध है जो कि इंद्रावती नदी पे बना हुआ है, हीराकुंड बांध है महानदी पे बना हुआ। और जीआई टैग की हम बात कर लेते हैं तो कोणार्क पत्थर की नक्काशी, पट्टाचित्र और गंजाम केवड़ा का फूल, ये हमारे जीआई टैग हैं उड़ीसा के। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब याद रखिएगा, आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सब चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर का, तो अब बनने जा रहा है हुबली कर्नाटक का। चलिए देखते हैं इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई है 1400 मीटर लंबा है, ये 10 मीटर चौड़ा है और वर्तमान में गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि 1366 मीटर लंबा है और ये 1400 मीटर हो जाएगा, तो ये सबसे लंबा हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, बीएस येदुप्पा इसके सीएम है और राज्यपाल हैं बजूभाई वाला। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसे नगरहोल नेशनल पार्क भी कहते हैं यहाँ सिचुएटेड है। बांध की बात करें तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, माणी विलास सागर वेदवती नदी पर और सुपा बांध काली नदी पर सिचुएटेड है इन कर्नाटका। जीआई टैग की बात करें तो चन्नापटना खिलौना और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन और मैसूर जैस्मिन, ये यहाँ की जीआई टैग्स हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी विश्व खाद्य फूड सेफ्टी डे निकला है तो आप याद रखेंगे 7 तारीख को, तो वो मिला है रतन लाल को। उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें $2.5 लाख मिलेगा जो 5 दशकों तक उनके कैरियर में उनके योगदान में सम्मान करता रहेगा।
हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पर राज्य की योजना 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कलेक्शन देने की है। तो अब यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मुख्यमंत्री अभी चेंज हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल है लालजी टंडन। नेशनल पार्क हैं, यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और भी बहुत सारे हैं। बांध की बात करें तो बाण सागर सोन नदी पर बना है, भीमगढ़ बैन गंगा पर, गांधी सागर चंबल नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर भी नर्मदा नदी पर। जीआई टैग में चंदेरी कपड़ा, चंदेरी की जो साड़ियाँ होती हैं, इंदौर की चमड़े के खिलौने और रतलामी सेब यहाँ का जीआई टैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा राज्य सरकार ने। बोर की जो लागत होगी 90% सरकार वहन करेगी और 10% किसानों द्वारा वहन किया जाएगा। कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़, मुख्यमंत्री यहाँ मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, और नेशनल पार्क की बात करें तो कलसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में सिचुएटेड है। बांध की अगर बात करें तो कौशल्या बांध यमुना नदी पर, ओटू बैराज घग्गर नदी पर, और अनकपुर बांध हरका नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चदेड़ू योजना शुरुआत की है? तो नाम से ही पता चलता होगा कि ये हमारी साउथ की योजना है, ये है आंध्र प्रदेश की योजना। तो इस योजना के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के लगभग 2.47 अभ्यर्थियों को 10,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल होगी हैदराबाद। मुख्यमंत्री प्रेजेंट में है इसके YS जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में किसने COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी स्थापना की है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार के सहयोग से स्थापित की जाने वाली यह सुविधा डॉक्टर्स में भारत में डॉक्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा पूरी तरह प्रबंधित की जाएगी। यहाँ बिहार की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है फग्गु चौहान। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित किस बैंक पर 6 महीने के लिए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है? तो ये यूपी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्यूपिल कोऑपरेटिव बैंक। इन्हें जो आदेश के मुताबिक न ही ये बैंक नया लोन ग्रांट कर पाएगा और पुराना लोन जो है उसको रिन्यू भी नहीं कर पाएगा। तो यूपी के लिए इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सन हेनरी हेवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पे करने की घोषणा की है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरु नानक मार्ग। हाल ही में ब्रिटेन में ऐसी धरोहर का नाम बदलने की मांग की जा रही है जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भेदभाव और जुल्म करने में शामिल रहे हों। तो इसी के आधार पर इन्होंने साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हेवलॉक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल बानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें किया गया है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। करीब 7 वर्ष के अंतराल के बाद कश्मीर में किसी वकील को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इसलिए ये खबर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी कब तक बढ़ाई है? तो ये बढ़ा दी है 30 सितंबर तक, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने जो भी वाहन है उसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ाने में असक्षम है, इस वजह से इसकी डेट आगे ड्यू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गेंद चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है BCCI।
या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ओलंपिक संघ या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसकी जो सिफारिश की थी वो थी भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले ने। साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच में खिलाड़ियों को अपनी जर्सी और स्वेटर के अगले हिस्से पर 32 इंच के लोगों को लगाने की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड डिजाइन किया है, विकसित की, तो ये किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। नाम से ही पता चल रहा होगा एयरबॉर्न, तो वायुसेना ही करेगी इसे। इस डिजाइन जो प्रणाली है इसको 60,000 रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पे आ चुका है, तो भारत ने अब छोड़ दिया है ब्रिटेन को पीछे, अब वो आ चुका है फोर्थ स्थान पर। भारत से पहले रूस, ब्राजील और अमेरिका है। ब्रिटेन में संक्रमण 291,409 मामले हैं, जबकि भारत में 297,832 मामले हैं। ये डाटा आज तक का है, अब आज से सिचुएशन और भी चेंज हो सकती है, चेंज हो जाएगी। हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो ये है फीफा में शीर्ष पर नॉर्मली बेल्जियम ही होता है, तो बेल्जियम है। कोरोना महामारी के कारण विश्व फीफा जो विश्व कप है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं, और बेल्जियम जो है वो काफ़ी दिनों से स्कोर दिए हुए हैं, इतना कि बेल्जियम 1765 स्कोर है। इसी तरह भारत का स्कोर 1187 है, और ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे है, और जो भारत है वो इस समय 108 नंबर पे चल रहा है फीफा की रैंकिंग में। सेकंड पे फ्रांस है और थर्ड पे ब्राज़ील है, फर्स्ट पे बेल्जियम है। यहाँ पे फीफा की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, और मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। हम बेल्जियम की बात करें जो कि फीफा रैंकिंग में नंबर 1 पे है, उसकी राजधानी है ब्रसेल्स, और उसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं सोफी विलमेस, और उसकी मुद्रा है करेंसी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये कार्यक्रम किया है हैदराबाद पुलिस ने। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो महिलाओं के हक, अधिकार और कानून सहायता प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क स्थापित किया गया है। तो हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तिमिसिलाई सौदर राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून का निधन हो गया, किस देश के थे, तो टोनी ड्यून थे आयरलैंड के। ये आयरलैंड के थे, और टोनी ड्यून एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, और आयरलैंड जो है वो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड के बारे में देख लेते हैं, तो इसकी राजधानी है डबलिन, इसकी करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति इसके माइकल डी हिंगल्स है, और प्रधानमंत्री इनके हैं लियो वार्डकर। तो ये आप इम्पोर्टेंट अलग से जो फैक्ट्स हैं वो याद रख सकते हैं इसको एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये राज्य बन गया है उड़ीसा। उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। इसकी राजधानी जो की बात करें तो भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के जो नेशनल पार्क हैं वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क। इन बांध की बात करें तो इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, हीराकुंड बांध है महानदी पर, और GI टैग में उड़ीसा फेमस है कोणार्क पत्थर नक्काशी के लिए, पट्टाचित्र के लिए और गंजम केवड़ा फूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है कैथी सुलेवान ने। कैथी सुलेवान समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। वे अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिका महिला भी बनी थी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है ये आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए, याद रखेंगे कैथी सुलेवान का नाम। इनमें से किस भाषा के प्रसिद्ध शायर थे आनंद मोहन
जो थी उर्फ गुलजार दहलवी ने कहा जाता है, इनका 93 इयर्स की उम्र में निधन हो गया। तो ये थे उर्दू भाषा के कवि। और गुलजार दहलवी यानी पंडित आनंद मोहन जुत्ती शायरी में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की यहाँ पे झलक उनकी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने, जिसके तहत डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट समेत कई ऑफर जो है वो ग्राहकों को मिलेंगे, प्रदान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली कौन सी सिख बन गई हैं? तो ये पहली सिख बन चुकी हैं अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 वर्ष की डिग्री यहाँ पूरी की है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलीवुड की किस एकेडमी ने ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियमों को लागू करने की घोषणा की है? तो ये है यहाँ पर मोशन पिक्चर एकेडमी। मोशन पिक्चर एकेडमी ने हाल ही में ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेशन की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 से 5 तक की कक्षा के लिए बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है कि बच्चों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े? तो ये किया है कर्नाटक की राज्य सरकार ने। सरकार ने साथ ही घोषणा की है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो ये हमारे दिए हैं मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने ये दर्जा हाल में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। और बांध की बात करें तो बाणसागर बांध सोन नदी पे, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर ही यहाँ पाया जाता है। तो ये फैक्ट्स आपके GS पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। GI टैग की बात करते हैं तो यहाँ चंदेरी कपड़ा, इंदौर के चमड़े के खिलौने और रतलामी सेब यहाँ के GI टैग हैं। GI का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंडिकेशन। हाल ही में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन मनाया गया? किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 जून को। 11 जून को मतलब जून के पहले या दूसरे सप्ताह में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। 2020 को ये 11 जून को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने पर्यावरण मंत्रालय का यहाँ नाम चेंज कर दिया और उसका नाम कर दिया है पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत चयनित लड़कों और लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश की डिटेल देख लेते हैं तो इसकी राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री इनके योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर कौन हैं? तो ये बन गए हैं शाहिद अफरीदी।
पाकिस्तान की ऑलराउंडर है शाहिद अफरीदी तौकीर उमर और जफर सरफराज के बाद नोवेल वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MHRD के द्वारा जारी मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों और यूनिवर्सिटी की जारी रैंकिंग में SVNIT को कौन सा स्थान मिला है? तो इन्हें मिला है 54th स्थान। MHRD की फुल फॉर्म होगी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके द्वारा जारी मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों और यूनिवर्सिटी की जारी रैंकिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 54th स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष ये संस्थान 58th पोजीशन पे था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को किस वर्ष की उम्र में हाल ही में मुंबई में बांद्रा में फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है? तो उनकी एज थी इस समय 34 ईयर्स। और 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियान ने भी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और इस पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो ये है हमारे चिली की स्वास्थ्य मंत्री। दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। इन्होंने इसमें कोरोना वायरस के 1.67 लाख मामले सामने आए हैं, वहीं 3,101 लोगों की मौत भी यहाँ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान रेलवे ने अपने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इन्होंने रखा है मारवी रेलवे स्टेशन। इन्होंने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और नाम बदलने के इस फैसले को सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं समझ पा रही हैं। उमर मारवी की प्रेम कथा पर पाकिस्तानी फिल्म 12 मार्च 1956 को भी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू करवा दी है? तो ये की है बांग्लादेश की सरकार ने। बांग्लादेश ने ऑनलाइन उपलब्धता प्लाज्मा की शुरू करवाई है और बांग्लादेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 71,000 को पार कर चुकी है, जिनमें 975 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पंजाब की राज्य सरकार ने। पंजाब की राज्य सरकार ने कोविड-19 के सामुदायिक प्रचार की जांच करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप की एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। पंजाब की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल इसके हैं बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे क्रिकेट से संबंधित थे। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे बसंत राय जी, जो कि 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और मुंबई में जौली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य भी यही थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर फ्लड वार्निंग सिस्टम आईफ्लोज लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया। अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की राजधानी है मुंबई, इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में किस देश से 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? तो ये लाए जाएंगे अमेरिका से। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से अनुदान के रूप में पहली खेप लगभग भारत में 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। अब अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है Washington DC, इसका जो मुद्रा है इसकी करेंसी है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति यहाँ के हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो ये इसकी थीम है सेफ ब्लड सेफ लाइफ। ब्लड अगर सेफ रहेगा तो सबकी लाइफ भी सेफ रहेगी। ये 14 जून को विश्व भर में मनाया गया विश्व मतदाता दिवस और इसकी थीम थी सेफ ब्लड सेफ लाइफ। मदर डेयरी की शाखा सफल, जो मदर डेयरी एक शाखा है, इसने ताजे फल और सब्जी की होम डिलीवरी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसने की है जोमैटो के साथ साझेदारी।
दिल्ली एनसीआर के कुछ चुने हुए स्थानों पर उपभोक्ताओं को ताजे फल और सब्जियों की होम डिलीवरी उपलब्ध कराने के लिए सफल ने जोमेटो के साथ साझेदारी की है। इसके पहले चरण में दिल्ली एनसीआर के कुछ चुनिंदा स्थानों में 11 बूथों से डिलीवरी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है आरोग्य पथ की। ये विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को सहायता देगा, जिसका उद्देश्य वर्तमान और नवीनतम लॉन्च के बारे में जागरूकता फैलाना भी होगा यहाँ पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटर को किसने नोटिस जारी किया है? तो ये नोटिस नाडा ने जारी किया है। इसमें 5 जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो है केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। इनको अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहने पर यहाँ नाडा ने नोटिस जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक के मुताबिक भारत के किस राज्य की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो महानदी जिस राज्य में बहेगी वहीं पे ये मंदिर होगा, तो ये है उड़ीसा राज्य में मिला है ये मंदिर। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जिसे इंटेक कहा जाता है, तो ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे इसकी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर के मुताबिक भारत के उड़ीसा राज्य की महानदी 500 वर्ष पुरानी 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला है और हाल ही में परियोजना के तहत इसका पता लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है कैथी ल्यूडस को, और ये पहली महिला है इनको फ्लाइट का प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये जो है कैथी, ये 1992 से नासा से अटैच है, नासा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 साल की एथलीट हिमा दास को असम सरकार ने खेल मंत्रालय की सिफारिश से किस पुरस्कार के लिए नामित किया है? ध्यान रखिएगा, अभी नामित किया है, मिला किसी को नहीं है, तो ये है खेल रत्न पुरस्कार। चलिए आगे बात करते हैं, इस पुरस्कार के लिए इस बार रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग की हैं और मनिका बत्रा टेबल टेनिस, और रानी रामपाल को भी इसके लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच द्वारा कमाए गए चैरिटी टूर्नामेंट एड्रिया टूर के पहले लेग किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है हमारे डोमिनिक थियम ने। तो कोरोना वायरस के बीच सर्बिया के नोवाक जोकोविच के द्वारा कराए गए चैरिटी टूर्नामेंट एड्रिया टूर का पहला लेग वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थियम ने फिलिप क्राजिनोविक को 4-3, 2-4, 4-2 से हराकर यहां पर जीत लिया। हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ, जो कि कल के क्वेश्चन में हमने देखा था ये क्वेश्चन, लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे CSIR ने। CSIR इसका उद्देश्य होता है वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना, और आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों की मदद ये करेगा। CSIR की फुल फॉर्म होगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1942 को और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर श्री मंडे, तो आप लोग ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है? तो ये की है डीआरडीओ ने विकसित की है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस में सैनिटाइजर चैम्बर यहाँ पे स्थापित किया गया और इस कक्ष को 15 मिनट के भीतर 25 जोड़ी वर्दी को स्वच्छ करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये है जी सतीश रेड्डी, तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति मिली है? तो ये मिली है अरुणाचल प्रदेश राज्य में।
इसका जो नाम है वो लिखा है, रखा गया है सीजोथेरेक्स सिकुसी रूमेंसिस, ये नाम इसका रखा गया है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और इसके राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? तो के वेणुगोपाल हमारे अटर्नी जनरल है, ये आप याद रखेंगे, और उनके एक साल का और सेवा विस्तार दे दिया गया है। इन्होंने 30 जून 1917 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर इसे नियुक्त किया गया था। और आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि अटर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में शामिल हुआ है? तो ये देश हुआ है भारत। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो भारत ने की है 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा। और इस परियोजना का जो निर्माण हो रहा है नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत, तो ये आप याद रखेंगे इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दावों का जल्दी निपटान करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, मतलब कि ईपीएफओ ने। इसमें इन्होंने ईपीएफओ ने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी तरह के दावों का निपटान इसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर कब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है? तो ये होगा 6 जुलाई को। बिहार में 6 जुलाई को चुनाव कराए जाएंगे जो कि 9 सीटों के लिए होंगे, और इसके लिए 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 जून निर्धारित किया, मतलब कि आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के टीम कौन से स्थान पे है? तो ये है हमारी 108, मतलब कि 108 स्थान पे। फीफा ने रैंकिंग जारी की है, भारतीय फुटबॉल टीम 108 स्थान पे है और इनकी जो अंक है वो है 1187 अंक के साथ। फ्रांस पहले स्थान पे है, ब्राजील दूसरे स्थान पे, उरुग्वे यहाँ तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो इनमें से किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वो है केविन रॉबर्ट्स हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कि सीईओ, और उन्हें अपने कार्यकाल में आर्थिक तंगी के कारण 80% कर्मचारियों को काम से भी निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है? तो ये लिया है अमेरिका ने, जिसके बाद अमेरिकी सरकार द्वारा कोरोना का इलाज के करने के दावों पर भी पानी फिर गया है। जो ये बार बार कहते थे कि हमने दवाई ढूंढ लिया, तो ये भी इनका जो दावा है वो खारिज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने इनमें से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है बांग्लादेश में। यहाँ पर भारत पाठ्यक्रम शुरू करेगा महामारी से कैसे निपटा जाता है उससे, और 14 जून से 26 जून तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम का जो सॉरी 18 जून से 26 जून तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होगा वो बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता को बढ़ाना होगा। हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार योजना, इसका जो मनरेगा का फुल फॉर्म है ये, इसके तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को इसने रोजगार दिया है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इसकी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने।
तो पश्चिम बंगाल सरकार ने COVID-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवर के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है। कर्मभूमि का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम हो पाएंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसकी राजधानी है कलकत्ता, मुख्यमंत्री इनकी ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीश धनखड़। नेशनल पार्क्स की देखें कि कोलकाता में कौन कौन से हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है और नीरा वैली नेशनल पार्क, ये सब पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। चलिए आगे। हाल ही में अमेरिकी सैन्य एकेडमी से स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं अनमोल नारंग। वह लगभग 1100 कैडर में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक से के साथ स्नातक किया है। अमेरिका को यूएसए भी कहते हैं। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिकी डॉलर इसकी करेंसी है और डोनाल्ड ट्रंप इसके राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी, उसका नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी जो कि इसकी कैपिटल है उसमें पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संतोष झा को किस देश ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है बेल्जियम देश के लिए। संतोष झा वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य के राजदूत हैं, लेकिन इस समय अब वो बन चुके हैं बेल्जियम के राजदूत। बेल्जियम की कैपिटल की बात करें तो ये ब्रुसेल्स है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। प्रधानमंत्री सोफी विलमेस है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पांगोंग झील के पास किस देश के सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं और उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना आजकल न्यूज़ में चल रही है, तो वो है चीन देश के। भारत और चीन के बीच कम से कम 45 वर्षों में ये पहला घातक संघर्ष माना जा रहा है। तो हम चीन की अगर हम बात करें तो चीन की कैपिटल जो बीजिंग है, मुद्रा यहाँ की चीनी युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का टेबल टेनिस है। चलिए। अमेरिका के हॉकेंसिन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे प्रिय बजरंग बली, मतलब कि हनुमान जी की प्रतिमा को। ये जो प्रतिमा है ये 3000 किलोग्राम की प्रतिमा है और 25 फीट लंबी ये प्रतिमा है। और प्रतिमा को भारत में बनाया गया और शिप के जरिए से अमेरिका भेजा गया था, जिसके लिए $1,00,000 के आसपास की लागत भी आई थी। तो ये आगे वाला आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत इस समय स्थान पे है 43 में। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी आईएमटी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत 43 पोजीशन पे है, जबकि अमेरिका 7 स्थान नीचे फिसल के 10th पे आ चुका है। इस रैंकिंग में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वहाँ है सिंगापुर, स्टैंड करता है फर्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 2 कंपनियों को। यहाँ पे 2 कंपनियों में एक का नाम है स्टे लैब्स और दूसरा नाम है जस्ट मनी। इस लिस्ट में पहले से ही गूगल, एयरबीएनबी, किकस्टार, मोजिला, स्पॉटिफाई, ट्विटर और विकीमीडिया पहले से ही इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार की है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये है आयुष्मान भारत अभियान के तहत, सॉरी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसमें इसके अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला बन रही है जो कि मुश्किल समय में आत्मकुशल होने के विचार को बढ़ावा और समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ने 93 में अकेडमी पुरस्कार जिसको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है 2021 को कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये किया है 2 महीने के लिए स्थगित। इसको कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने के लिए स्थगित किया है, मतलब कि 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और इस अवार्ड की जो जारी होने की तारीख थी वो 28 फरवरी थी, मतलब कि फरवरी से हटा के उसे अप्रैल माह में कर दिया है ऑस्कर अवार्ड देने की डेट।
नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो ये किया है इसने इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ, इसने इसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साथ ही बैंक को एयन कैपिटल द्वारा समर्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्लिक्स कैपिटल के विलय के लिए भी प्रस्ताव इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दी है? तो इन्होंने दी है ग्लेन स्लैम को कराने की मंजूरी। और इस वर्ष US ओपन 24 अगस्त से 13 सितंबर तक होना था, लेकिन US ओपन होने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि ये होगा या नहीं, बट ग्लेन स्लैम होने वाला है, इसकी मंजूरी मिल चुकी। हाल ही में भारत को हाल ही में कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब कि इसे UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है 8वीं बार भारत को। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं, जबकि भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए केवल 128 वोट ही चाहिए थे, और 8th बार इनको चुना गया है सदस्य, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने हाल ही में चीन की स्ट्रिंगलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के साथ कितने करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया है 471 करोड़ रुपये का, जिसे वर्ष 2016 में रेलवे ने इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बट कुछ समय पहले BSNL ने भी 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने का यहाँ फैसला किया है, मतलब कि भारत सरकार ने पूरी तरह से चाइना को बाइकॉट यहाँ करने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है तमिलनाडु कैबिनेट ने। तमिलनाडु कैबिनेट ने कहा है कि ये आरक्षण केवल 10% जो आरक्षण है सरकारी स्कूल के छात्रों पर ही लागू होगा, और जो निगमों की नगर पालिकाएं हैं, जनजातीय कल्याण और कल्लार पुनर्वित्त स्कूल हैं, वन विभाग के स्कूल हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे स्कूल इसमें सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2019 में सबसे अधिक FDI पाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो सबसे ज़्यादा FDI पाने वाला भारत 9वां देश बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2019 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका पाने वाला 9वां देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सेना के शहीद परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा के 2 गुना करके 50 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ये पहले 25 लाख रुपए थे और योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में इसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है? तो पहले हुआ था ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए, अब फिलहाल में हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसको अपराध मानने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, और क्योंकि पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग के बहुत ज़्यादा मामले सामने आए थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। झारखंड में इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। अगर हम झारखंड की बात करें तो इसकी राजधानी है रांची, इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू, नेशनल पार्क यहाँ पे है बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क और धीमा नेशनल पार्क। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश 4th एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 आने वाला है उसकी मेजबानी करेगा? तो ये करेगा बहरीन। बहरीन जो है एशियाई युवा पैरा गेम्स के 4th संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित यहाँ पर किए जाने की घोषणा की गई है। बहरीन की अगर हम बात करें तो बहरीन की कैपिटल है मनामा, यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार और प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर
फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। तो ये की है इन्होंने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर। मारुति बैंक के सहयोग से कंपनी के वैन इको मॉडल को छोड़कर सभी मॉडलों पर 6 महीने के हॉलीडे पीरियड के लिए खरीदारों को कार की ऑन रोड कीमत का 100% लोन मुहैया कराएगी। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो इसके सीईओ हैं केनिची आयुकावा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है? तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि और डेजर्ट, तो राजस्थान राज्य ने ये शुरू किया है। राजस्थान ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज, एंटी जासूसी ऑपरेशन है ये। और अगर हम राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ की इसकी कैपिटल है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। राज्यसभा की लोकसभा में सीटें हैं 25, राज्यसभा में इसकी 10 सीटें हैं और विधानसभा में इसकी 200 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में रज पर्व, जिसे राजा पर्व भी कहा जाता है, मनाया गया? तो ये मनाया गया उड़ीसा राज्य में। 3 दिनों तक चलने वाला ये रज पर्व बहुत ही अनूठा त्यौहार है जिससे मानसून की शुरुआत और धरती माता की यहाँ विशेष रूप से पूजा की जाती है। उड़ीसा राज्य की अगर हम डिटेल की बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, इसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है सावित्री राठौर जो कि अभी अभी बनी है, इसको भी मैंने न्यूज में लास्ट टाइम कवर किया था। उड़ीसा नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और यहाँ बांध है इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे और जीआई टैग है यहाँ पे कोणार्क पत्थर की नक्काशी, पट्टाचित्र और गंजम केवड़ा फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य ने। ये कोरोना के प्रचार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग और साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। कर्नाटक की अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ इसकी राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुप्पा, राज्यपाल यहाँ के हैं भाईवाला और नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसे नगर होल नेशनल पार्क भी बोलते हैं। बांध अगर यहाँ पर देखें तो ये है अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, वाणी विलास सागर वेदवती नदी पर और सुपा बांध काली नदी पर। जीआई टैग अगर हम देखें तो यहाँ चन्ना पटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन और मैसूर जैस्मिन यहाँ के प्रसिद्ध जीआई टैग हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान लॉन्च करेंगे। तो ये कब लॉन्च करेंगे? तो ये लॉन्च करेंगे 20 जून, मतलब कि अब ये कर चुके हैं लॉन्च। और इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य किए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विरोध के बावजूद नेपाल के राष्ट्रपति ने नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो किस राष्ट्रपति ने दी है ये? तो ये दी है हमारे नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने ये मंजूरी दी है। उनकी मंजूरी के बाद ये नक्शा जो है वो नेपाली संविधान का हिस्सा बनाया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है? तो आप लोग को जैसा कि पता होगा भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो उड़ीसा के पुरी से निकाली जाती है, तो यहाँ रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इस यात्रा के द्वारा कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है वो और भी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए किस फुटबॉलर का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है? तो ये इन्होंने किया है IM विजयन का नाम। ये पद्मश्री अवार्ड देने के लिए खेल मंत्रालय ने ये नाम भेजने का फैसला किया है। उन्हें पहले 2003 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और साथ ही वे 3 बार
AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं IM विजयन। तो ये आप याद रखेंगे कि IM विजयन एक बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं इंडिया के थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस विमेंस टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज रेचल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम की। इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के सलाना कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब भी वे तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेलती रहेंगी, बट उन्होंने न्यूजीलैंड विमेंस टीम की विकेट कीपर और बल्लेबाज की पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 4 नए खेलों को शामिल। इस कमेटी ने, जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, इसने 4 नए खेलों को शामिल किया है जिसमें स्विमिंग शामिल नहीं है। चैंपियनशिप 2022 में 11 अगस्त से 21 अगस्त तक जर्मनी के म्यूनिख में होगा ये चैंपियनशिप। तो याद रखेंगे 2022 में अगस्त में जर्मनी के म्यूनिख में ये चैंपियनशिप होगी। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। यह दिन जो होता है वो शरणार्थियों को सम्मान दिलाने, उनकी दुर्दशा की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, और इसके मनाने की शुरुआत जो हुई थी वो 2001 में हुई थी। हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया है? तो ये किया है फेसबुक ने। फेसबुक की अगर हम बात करें तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में, और इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने, मतलब कि गिरने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ADB की स्थापना जो हुई है वो 19 दिसंबर 1966 को हुई है। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मात्सुगु असाकावा। हाल ही में किसने COVID-19 के लिए भारत में पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो दिल्ली से सांसद भी हैं। इन्होंने COVID-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब आई लैब लॉन्च की है। मोबाइल लैब का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकी कमी को दूर करना और निरंतर आत्मनिर्भरता के एक चरण को आगे बढ़ाना है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो ये है हमारे 9वें स्थान पर। फोर्ब्स द्वारा जारी जो रियल टाइम बिलियनियर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस के जो मुकेश अंबानी है वो 9th पोजीशन पे हैं, और उनकी नेटवर्थ अब $64.6 अरब हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो में 24.71% हिस्सेदारी बेचकर 1,68,818 करोड़ रुपए कमाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल हो चुका है? बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये। तो ये है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के द्वारा, इसमें $1.7 trillion के बाजार पूंजीकरण के बाद BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 10वें स्थान पर यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 8 राज्यों में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो किरेन रिजिजू हैं, इन्होंने आइजोल मुआलपुई इलाके में राजीव गांधी खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकेडमी को देश के उन 8 केंद्रों में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के विवादित विज्ञापन को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है? तो ये किया है फेसबुक ने इनके जो विवादित विज्ञापन है उनको अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, जिन पर लाल रंग के उल्टे त्रिकोण का इस्तेमाल किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? तो घर पे लोग वीडियो गेम ही खेल रहे हैं तो ये हुई है 75% की बढ़ोतरी, जबकि ऑनलाइन गेमों के लिए दुनिया भर में 80 लाख डेली लॉगिन हो रहे हैं। पिछले वर्ष 25,000 ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने 1728 करोड़ रुपए इसमें जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मैंने भी लास्ट टाइम आपको जो आज का इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी बताया था कि विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों मनाया जाता है 21 जून को। विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग का अभ्यास कराने के कई फायदे के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री मिडिल ईस्ट और किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है? तो ये किया है इन्होंने एशिया महाद्वीप के लिए। हाल ही में हुए नस्लीय असमानता पर वैश्विक डिबेट के कारण कंपनी ने ये फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने। इन्होंने हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की। अगर हम कर्नाटका की बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 18 फरवरी 1924 को हुई थी। कर्नाटक मैंगलोर में इसका मुख्यालय है और MD CEO है महाबलेश्वर MS। टैगलाइन है इसकी योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर राज्य ने। जम्मू कश्मीर राज्य ने इसका नाम रखा है कृषि उत्पादन किसान कल्याण विभाग। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले ये राज्य था बट अनुच्छेद 371 खत्म होने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसके जो उपराज्यपाल है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं वोल्कन बोजकिर। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र का सितंबर 2020 से जो आरंभ होगा उसका सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में कुबाट बेट बोरोनो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं किर्गिस्तान के। किर्गिस्तान जो है एशिया में स्थित है, इसकी राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तान सोम और राष्ट्रपति हैं इसके सूरोनबे जीनबेकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये दोनों बने हैं सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली। ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर बने गए। BCCI की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हिंदी में कहते हैं इसे, और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। इसमें 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में ATM मशीन स्थापित की है? ऑप्शन है आपके दक्षिण मध्य रेलवे जोन, पूर्व मध्य रेलवे जोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य रेलवे जोन। चलिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ क्योंकि दोनों सेम कलर का हो जा रहा है। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टिकन चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ATM मशीन का जो उद्देश्य होता है वो कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए होता है। भारतीय रेलवे जो इंडियन रेलवे है उसकी जो स्थापना हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो वो है 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी जो रेल मंत्री हैं जो कि करंट के रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो विनोद कुमार यादव हैं और RPFS महानिदेशक जो हैं वो हैं अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के अगर हम पहले रेल मंत्री की बात करें तो वो हमारे थे जॉन मथाई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो GK फैक्ट्स हैं जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने इकोनॉमिक्स थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनमें से? तो ये इन नियुक्त किए गए हैं उर्जित पटेल।
उर्जित पटेल जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और उन्होंने दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। एनआईपीएफपी, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, मतलब कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1976 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है खनन और खनिज क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना। और प्रहलाद जोशी अगर बात करते हैं तो वो है केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाले देश की फर्स्ट कंपनी है और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटल 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले से कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पे है? तो ये भी मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ही है। रिलायंस जियो इंटरनेट की स्पीड के मामले में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे इन इंडिया। रिलायंस जियो ने 4G सेगमेंट में यूजर्स को 14.1 Mbps की एवरेज डाउनलोड की स्पीड दी और स्पीड चेक करने के लिए ट्राई ने माई स्पीड ऐप का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन चुना गया? एक क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। वे विजय केलकर की जगह 22 जून 2020 से स्थान ग्रहण करेंगे और विजय केलकर को 1 नवंबर 2014 को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75th ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे? तो जिसको पता होगा कि मॉस्को किसकी राजधानी है वो इसका आंसर बड़े आराम से दे देगा, तो ये है रूस। 24 जून को होने वाली इस विक्ट्री परेड में मौजूद रूस के मित्र देशों के सर्वोच्च बलिदान के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था वो हटा दिया है, मतलब पहले प्रतिबंध लगाया था कोरोना की वजह से, अब वो प्रतिबंध हटा दिया गया है, तो वो है स्पेन के देश में, स्पेन में। अब यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के पर्यटकों को आने की यहाँ इजाज़त दी जाएगी, बट स्पेन आने के बाद एयरपोर्ट पर ही यात्रियों की यहाँ पे फुल चेकिंग की जाएगी। हाल ही में कुछ प्रतिबंधों के साथ उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति किसने दी है इनमें से? तो ये दी है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ ये दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा को स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति राज्य और केंद्र सरकार के साथ संयोजन के साथ समन्वय के साथ यहाँ पर आयोजित करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर सिंह बाघेला ने हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, ये गुजरात में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर जयंत पटेल उर्फ बोस्की के नियुक्ति के बाद से ही पार्टी के नेतृत्व से नाराज थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया है। पहले ये ऐप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में था बट अब नीट के छात्र और जेई के छात्र तैयारी हिंदी में भी कर सकते हैं, बट इसके लिए हिंदी फीचर का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट को अपना ऐप अपडेट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य के एक जिले में विश्व वन जीव कोष और वन विभाग को 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये मिला है उत्तर प्रदेश से। विश्व वन जीव के सर्वेक्षण के मुताबिक ये जीवाश्म हिप्पोपोटमस व डायनासोर के समकालीन हाथियों की स्टेगुडोन प्रजाति का है और ये जो मिला है ये सहारनपुर के शिवालिक की पहाड़ियों में मिला है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है न्यूजीलैंड ने। यहाँ पर इन्होंने क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ाया है और इसकी पुष्टि की है प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है नेपाल की संसद ने। चलिए देखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन। तो नेपाल ने भारत में या किसी और देश की बेटी को नेपाल की बहू बनाने के बाद भी यहाँ की नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। हाल ही में देश की संसदीय पैनल ने नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी ने वॉर्न ऐप लोगों के बीच निकट संपर्क को मापने के लिए ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज रेडियो का ये उपयोग करती है और उनमें से किसी को अगर कोविड-19 सकारात्मक होने की पुष्टि होती है तो उसकी चेतावनी वार्निंग जारी करती है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है बर्लिन, इसकी मुद्रा है यूरो और इनके राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं विक्रम पावर है। BMW के ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और BMW की बात करें तो ये जर्मनी की कार निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1916 में, मुख्यालय है म्यूनिक जर्मनी में और संस्थापक है ओलिवर जिप्से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? तो ये किया है IIT पलक्कड़ ने। ये ऐप ये पहला ऐप है जो केवल अल्ट्रासाउंड वीडियो अपलोड करके स्वचालित विश्लेषण करने के लिए चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया, वे कौन थी? तो ये थी एक सामाजिक कार्यकर्ता। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश के राज्य की बात करें तो ये उसके GS का क्वेश्चन हो जाता है। इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। हाल ही में कौन देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो ये करेंगे नीति आयोग के द्वारा। ये नीति आयोग में भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम जिसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम कहते हैं, ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। अब नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जैसे कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी हैं, इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य की बात करते हैं तो इनकी कैपिटल जो है वो चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, गवर्नर हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में पुलिस विश्वास अभियान चला रही है? तो ये चला रही है पालघर जिले में। इसका उद्देश्य है जिले में आदिवासी निवासियों के साथ तालमेल बनाना। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? तो ये है भारत के निकी पुनाचा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी सूची में भारत के निकी पुनाचा टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। अगर ITF की फुल फॉर्म देखें तो ये होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 को और इसका मुख्यालय है लंदन जो कि UK में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं विजय खंडूजा। विजय खंडूजा जिम्बाब्वे के भारतीय नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। और जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो है जिम्बाब्वे डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति है इमरसन मांगावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और 5 विधान पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और 5 विधान पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनमें से 5 विधान पार्षद जनता दल यूनाइटेड पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों में MLC संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनीन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि पूर्णिमा जनीन किस फील्ड से मशहूर हैं? तो ये हैं पूर्व भारतीय निशानेबाज, तो ये आप याद रखेंगे। इनका 42 ईयर्स में कैंसर से निधन हो गया है। इनके निधन पर जितने भी ओलंपिक चैंपियन हैं और जितने भी निशानेबाज हैं सबने शोक व्यक्त किया है, स्पेशली अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व एथलेटिक्स ने किसे हाल ही में वैश्विक विकास ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये किया है हमारा लॉरेट बकलिकेट ने विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में वैश्विक विकास या कि ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इस पोस्ट की नियुक्ति के लिए विश्व स्तर पर उपयुक्त अधिकारी की खोज जनवरी 2020 में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला पुर्तगाली खिलाड़ी बन गया है? तो ये है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन चुके हैं और इन्होंने बोलोग्रा के खिलाफ मैच में पेनल्टी के जरिए गोल करके 43 गोल पूरे करते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एंड्रिया ट्रूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो ये है ग्रिगोर दिमित्रोव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण। विश्व के नंबर 19 जो टेनिस खिलाड़ी हैं ग्रिगोर दिमित्रोव, इनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हाल ही में एंड्रिया ट्रूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में नंबर 1 नोवाक जोकोविच के अलावा रूस के आंद्रे रुबलेव हिस्सा लेने वाले। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नामक योजना शुरू की है? तो ये की है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल का उद्देश्य छात्रों को ऑडियो और वीडियो गतिविधि के साथ SMS या व्हाट्सएप सेवाओं के माध्यम से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगर हम त्रिपुरा राज्य की बात करें तो इसकी कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। त्रिपुरा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा की इसकी 60 सीटें हैं। हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं इनमें से? तो ये बने हैं वसीम जाफर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के नए कोच हैं। और उत्तराखंड की अगर हम यहाँ बात करें तो ये है देहरादून इसकी कैपिटल, इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसकी राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ मशहूर नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेजर जनरल रिटायर्ड लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया, ये किस सम्मान से सम्मानित थे? तो ये वीर चक्र से सम्मानित थे।
ये देश के सबसे बेहतरीन सैन्य जवाजों में से एक थे और 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लेने वाले जीवित अधिकारियों में से एक थे ये। और इन्होंने 1943 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन दिया गया था इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगा? तो ये करेगा राजस्थान राज्य। इस योजना का लक्ष्य है कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ खर्च करेगी। अगर राजस्थान की हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है जयपुर। इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और नेशनल पार्क है यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क और धीमा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किया है अंडरटेकर ने। अंडरटेकर का आखिरी मुकाबला रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल के साथ हुआ था। अंडरटेकर द डेड मैन के नाम से WWE में लोकप्रिय हैं और अंडरटेकर ने रेसलमेनिया को लगातार 21वीं बार जीत हासिल की थी उसके ऊपर, रेसलमेनिया के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है? तो ये मिला है इसरो को। लिक्विड पे कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है और ये फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैरों के सभी अंगों को पूरा कवर करता है और ये सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है। सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है, इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इसरो की बात करें तो ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। संस्थापक थे विक्रम साराभाई और अध्यक्ष इस समय है इसके के शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को किस सुपरविजन के तहत लाने के लिए कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सुपरविजन के तहत लाने के लिए कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी अध्यादेश मंजूर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन गूगल में फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कौन सा टूल लॉन्च किया गया है? तो ये टूल है इमेज सर्च टूल। इमेज सर्च टूल ने सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए फर्जी फोटो और वीडियो की पहचान के लिए इमेज सर्च टूल लॉन्च किया है। गूगल ने फेक इमेज की पहचान के लिए एक नया फैक्ट चेक मार्कर को जोड़ा है। ये टूल फेक फोटो की पहचान करके उनकी लेबलिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है? तो कुशीनगर के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा है। इसके बाद ये हवाई अड्डा, जब इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया जाएगा तो ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसका आंसर है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है जिसके लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जाएंगे। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन इंडिया के एक सर्वे में किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? तो ये हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इस सर्वे में साफ तौर पर लड़ाई सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बीच थी लेकिन अंत में राहुल द्रविड़ को ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष चुनाव के दौरान विश्व संस्था के नियमों का पालन नहीं करने पर किसने भारतीय कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी है? तो ऑब्वियस है विश्व कराटे महासंघ ही ये कर सकता है, लेकिन विश्व कराटे महासंघ ने KAI को मान्यता रद्द करने के खिलाफ 21 दिनों के अंदर अपील करने का भी यहाँ पे विकल्प दे दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत ने ओलंपिक में अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो ये किए हैं 100 साल पूरे। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता और भारत ने ओलंपिक में 100 साल पूरे कर लिए हैं। तो ओलंपिक से क्वेश्चंस आने की बहुत बहुत संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो ये किया है ब्राज़ील ने। 15 जून को ब्राज़ील में फेसबुक ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च की थी, पर ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक ने वीज़ा और मास्टर कार्ड को आदेश पर ब्राज़ील में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। ब्राज़ील पहला देश है जहां पर फेसबुक ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च की थी। राजस्थान सरकार के बाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इन पे बहुत ज़्यादा जो इन्होंने दवा निकाली थी तो उस पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा है, तो ये प्रतिबंध लगाया है महाराष्ट्र सरकार ने। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगाया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ने ये पता लगाएगा कि क्या पतंजलि की कोरोनिल दवा का क्लिनिकल ट्रायल जो है वो किया गया था या नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की जो महिला क्रिकेटर हैं क्लेयर कोरोनो मेरी जो वो है मैरिलोबिन क्रिकेट क्लब जिसे MCC कहा जाता है कि 233 साल के इतिहास में कौन सी पहली अध्यक्ष होंगी? तो ये पहली महिला अध्यक्ष होंगी। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर क्लेयर कोनोर जो है मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के 233 साल के इतिहास में पहली अध्यक्ष होंगी और वह श्रीलंका के कुमार संगाकारा की जगह लेंगी। वे अगले वर्ष अक्टूबर में अपने कार्यभार को संभालेंगी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इस समय कुमार संगाकारा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए यहां पर बढ़ा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के एक कोर्ट ने कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के टेलीकॉम पाउडर से ओवरीन कैंसर होने पर कंपनी पर कितने बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 2.1 बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना। और ये जुर्माना जुलाई 2018 में इस मामले के जुर्माने की राशि का 4.4 अरब डॉलर का आधा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इनमें से किसने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने की घोषणा की है? तो ये की है CBSE बोर्ड ने। CBSE ने कोरोना के बढ़ते मामले के कारण 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने की घोषणा कर दी है। 10वीं और 12वीं क्लास के 29 सब्जेक्ट के पेपर 1 और 15 जुलाई के बीच में होने थे। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं के स्टूडेंट का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा और CBSE के बाद काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मतलब CISCE ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेटलिफ्टर संजीता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अर्जुन अवार्ड। इन पर डोपिंग का आरोप लगा था बट ये मुक्त हो चुकी हैं उस आरोप से। अब संजीता चानू पर वर्ष 2018 के हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन के परीक्षण के तहत सोवेटो शहर के एक निवासी पर इसका पहला प्रयोग किया गया? तो ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के विट्स विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन के परीक्षण के तहत सोवेटो शहर के एक निवासी पर इसका प्रयोग किया गया पहला। और दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना के इस वैक्सीन का नाम OX1COV-19 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के बाद किस देश ने हाल ही में चीन के अरबों डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट को नष्ट कर दिया है? तो ये किया है केन्या ने। एशिया के बाद केन्या ने हाल ही में चीन के अरबों डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इस रेलवे प्रोजेक्ट के अनुबंध को लेकर दायर याचिका के दौरान केन्या की अदालत ने इसे अवैध पाया। चीन ने केन्या के साथ रेलवे लाइन को लेकर 2017 में समझौता किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जोएल शुभाकर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वे थे एक निर्देशक। इनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो हॉलीवुड अभिनेता जोएल शुमाकर का निधन हो गया है। जोएल शुमाकर की पहली फिल्म थी बैटमैन फॉरएवर। इसके अलावा उन्होंने द फैंटम ऑफ ओपेरा नामक फिल्म का निर्देशन भी किया, जिन्हें 3 ऑस्कर अवार्ड मिले। इसीलिए ये निर्देशक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कश्मीर में देविका पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 पुलों देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देविका और पुनेजा जो ब्रिज हैं वो कौन से राज्य में स्थित हैं। तो आप याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। हाल ही में किसे TIFF 2020 के अम्बेसडर में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन हमारे पास प्रियंका चोपड़ा, अनुराग कश्यप, अनुष्का शर्मा या ए और भी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप दोनों। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का नाम TIFF जिसको कहते हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45th संस्करण के 50th अम्बेसडर्स में इन्हें शामिल किया गया है। और TIFF मतलब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना हुई थी 1976 में और इसका मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया है अमेरिका में। अमेरिका जिसे USA भी कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी Washington DC है। इसकी जो करेंसी है वो है अमेरिकी डॉलर। इस समय राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी की स्पेस एजेंसी का नाम NASA है, जिसका मुख्यालय Washington DC में है। और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, इसे कांग्रेस कहा जाता है, जैसे कि इंडिया की संसद को संसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माली गणराज्य ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है? तो ये सौंपी है FSSAI को। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्रांति लाना है। और सॉरी, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका आंसर होगा NTPC। और NTPC की जो फुल फॉर्म होती है ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है NTPC। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इस समय इसके करंट CM और चेयरमैन और MD है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाब बाई संगम नेरकर को विठाबाई नारायण गावकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र की, क्योंकि नाम से ही आप लोगों को पता चल गया कि महाराष्ट्र का है ये। ये जो विठाबाई नारायण गावकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये तमाशा कलाकार को दिया जाता है जो लोक कला के क्षेत्र में होता है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी मुंबई है। इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं भरत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। और नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है बोरीवली, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, चंदोली राष्ट्रीय पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क और तंसा नेशनल पार्क। तो ये सारे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लर्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने % घटने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 4.5%। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में इसे अब तक की ऐतिहासिक कमी कहा है। इसके अलावा IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में 6% की वृद्धि से बढ़ने की संभावना भी यहाँ पर जताई है। अगर हम यहाँ IMF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, मुख्यालय है Washington DC में और प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। तो ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ग्राहकों के लिए TV के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हाल ही में ऐप लॉन्च किया है? तो TV से रिलेटेड जो भी ऐप होगा वो ट्राई ही लॉन्च करता है। ट्राई मतलब कि भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में TV सिलेक्टर
टीवी चैनल सेलेक्टर नाम से ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ग्राहक टीवी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मनपसंद नापसंद चैनलों को अपने पैक से हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस दवा को पहली दवा के रूप में मान्यता दी है? तो ये दवा है रेमडेसिविर। यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को पहली दवा के रूप में मान्यता दे दी है। रेमडेसिविर दवा का निर्माण सबसे पहले वायरल रक्तस्रावी बुखार इबोला के इलाज के लिए यहाँ पर किया गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है हमारे पास रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान या नितिन गडकरी। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों पर निशाना साधा, योगी की तारीफ की और नसीहत दी कि खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। हाल ही में किसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है? तो ये कहा है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में 5.4% की गिरावट देखी गई है और देश के धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अन्य पिछड़े वर्ग मतलब कि ओबीसी आयोग का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये किया है अभी 6 महीने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। अब आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक होगा। इस आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश प्रीमियर लीग जिसे ईपीएल कहा जाता है में लिवरपूल ने कितने वर्ष के बाद लीग के खिताब पर कब्जा किया है? तो ऑप्शन है हमारा 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 30 ईयर्स। इंग्लिश प्रीमियर लीग जिसको ईपीएल भी कहा जाता है, लिवरपूल ने 30 वर्ष बाद लीग के खिताब पर कब्जा किया है। 132 वर्ष के इतिहास में मैनचेस्टर यूनाइटेड 20 के बाद लिवरपूल 19 के पास ही सबसे ज़्यादा लीग के खिताब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा परिषद के मुताबिक वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की सह मेजबानी न्यूजीलैंड और कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है यहाँ ऑस्ट्रेलिया। फीफा परिषद के मुताबिक वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की सह मेजबानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगा। इन दोनों पड़ोसी देशों ने कोलंबिया को 22-13 के मत से पछाड़ दिया है। इस विश्व कप में टीमों को बढ़ाकर 32 यहां पर कर दिया गया है। फेयर एंड लवली के बाद कौन सी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है? तो ये है लोरियल ग्रुप। लोरियल ग्रुप ने ऐसा काम किया है, इन्होंने इन शब्दों को हटाने की घोषणा की है। और कुछ समय पहले अमेरिका में शुरू हुआ ब्लैक वाइट मैटर आंदोलन कई देशों में ये फैल गया है। तो ये आप लोग समझ सकते होंगे, पहले फेयर एंड लवली ने फेयर शब्द को हटाना शुरू किया, अब लॉरियल ग्रुप ने भी अपने प्रोडक्ट से ये शब्द हटाने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा करने के लिए किस फोर्स के गठन की मंजूरी दी है? तो ये दिया है इस यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की मंजूरी। पहले चरण में इस बल की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा और साथ ही यूपी एसएसएफ की स्पेशल यहाँ ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मामी को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किया है करण जौहर ने। बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने हाल ही में मुंबई की एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मामी जिसे कहा जाता है को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मामी की डायरेक्टर स्मृति किरण को इस्तीफा मेल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस तेल कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है? तो ये किया है हमारा
IOCL ने। भारत की सबसे बड़ी जो तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या को खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है, जिसके तहत ईवी चालक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मतलब ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चालक, मिनटों में डिस्चार्ज बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक डेविस का फाइनल को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये अभी फिलहाल एक साल के लिए स्थगित किया गया है। अब फाइनल मुकाबला 2021 में 22 नवंबर से होगा और साथ ही फेड कप का फाइनल भी अगले साल अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में किस देश के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है? तो अभी राजनाथ सिंह गए थे यहाँ पर, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते की करंट अफेयर में आप लोगों को बताया था, ये रूस के परेड में यहाँ भाग लिया है इन्होंने। यहाँ सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में रूस में 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बल मित्र राष्ट्र की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासा का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। हाल ही में नासा है घोषणा की है कि नासा मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन एक गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थी। उन्होंने 1942 में गणित और भौतिकी में हैम्पटन यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसकी स्थापना हुई थी, नासा की स्थापना की हम बात कर रहे हैं तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में और संस्था के कार्यपालक हैं चार्ल्स बोल्डेन, जो कि प्रबंधक हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए नई पहल शुरू की है? तो ये किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण का पता लगाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है। MSAME मंत्रालय के तहत काम करने वाले इस वैधानिक निकाय ने अपने नासिक प्रशिक्षण केंद्र में चंदन और बांस के 500 पौधे लगाए हैं। वृक्षारोपण प्रक्रिया का उद्देश्य संपत्ति का मुद्रीकरण करना है। KVIC ने सुगंध और स्वास्थ्य विकास केंद्र FFDC उत्तर प्रदेश से चंदन के पौधे और असम से बांस के पौधे भी यहाँ खरीदे हैं। तो आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।